उत्तराखंड के नए सीएम बने पुष्कर सिंह धामी, 11वें सीएम के रूप में धामी ने ली शपथ। तीरथ सिंह रावत ने कल दिया था इस्तीफा। राज्य आंदोलनकारियों के समर्थन में आपने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। डीएम ने स्ट्रांग रूम का किया औचक निरीक्षण, स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम वीवीपैट का लिया जायजा। पीएम मोदी ने ड्रोन से की लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा, बेघरों को 2022 तक घर दिलाने का लक्ष्य। बीजेपी ने बनाई नई रणनीति, पीएम सीएम की फोटो लगाकर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का होगा प्रचार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। तो उत्तराखंड से इस वक्त जो बड़ी खबर जो आ रही है उससे जुड़ी हुई हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री पद से सांसद तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। 45 वर्षीय धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। शनिवार को भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम पर मोहर लगी। शनिवार की शाम ही पुष्कर सिंह धामी नए सीएम के रूप में शपथ लेने वाले थे, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। अब रविवार को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि आज 3 बजे देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में विधायक दल की बैठक के दौरान सभी ने उनके नाम पर सहमति जताई। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, बता दो आपको कि लगातार 2-3 दिन से उत्तराखंड की सियासत बहुत तेजी से गर्मा रही थी, लेकिन आज एकदम से सरप्राइजिंग जो ये नाम आया, जो नए पक्के मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी का नाम जो रेस करे कर रहा था, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार 2 बार के विधायक है खटीमा से, कहीं ना कहीं देखा है उनका नाम भी जो चल नहीं रहा था, लेकिन जब नाम आया तो एकदम से लोगों को बहुत सरप्राइज रहा और कहीं ना कहीं अब लोगों की उम्मीदें टिक गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि 2 बार जो मुख्यमंत्री रहे, एक बार पौड़ी से, दूसरी बार ही पौड़ी से त्रिवेंद्र सिंह रावत भी गढ़वाल से थे और तीरथ सिंह रावत जी भी गढ़वाल से, कहीं ना कहीं राजनीति के पहलू में देखा जाए तो अब जो है कुमाऊं मंडल को भी एक बार मौका दिया गया। कुमाऊं से जो है विधायक जो रहे हैं अपने पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री और ये 11वें मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के बने हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दिए जाने से नाराज आम आदमी पार्टी सरकार का पुतला फूंका। आपके वरिष्ठ नेता दीपक पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दीपक पांडे ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों को निछावर करते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया। उनकी शहादत के बाद भी राज्य आंदोलनकारियों को वह सम्मान आज तक नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कई आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दी जा रही है क्योंकि हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसका खामियाजा राज्य आंदोलनकारी भुगत रहे हैं। आम आदमी पार्टी राज्य आंदोलनकारियों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर सरकार राज्य आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े फैसले नहीं लेती है तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। ताकि आप देख रहे हैं कि अभी जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाया है, आज उनको जो यहाँ सरकारी सेवाएं दी जाने की बात हुई थी आज उनको उसमें आरक्षण मिलना था, लेकिन आज तक 2011 से प्रकरण चल रहा है जिसमें आज हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मेन कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने इन तथ्यों को मजबूती से नहीं रख पाई, हमारे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं दिला पा रही है, वो कल आम आदमी को क्या न्याय दिला पाएगी? जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को बेघर कराया, यहाँ पे इतने लोगों ने जिन्होंने मिलकर आज उत्तराखंड बनाया, जिन्होंने आज हमें सम्मान दिया उत्तराखंड बनाने का, और आज जो बीजेपी सरकार यहाँ बैठ के सही अपना चला रही है शासन, उनकी बदौलत आज ये उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल भी ना सम्मान दे रहे हैं ना उनकी सुन रहे हैं। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपाल, ये जो पुतला फूंका गया है, क्या वजह है, क्या कुछ चीज़ें अभी तक सामने निकल कर आई हैं और आंदोलनकारियों की क्या मांग है? जी,
शुभम जी आपको बताते हुए चले कि दीपक पांडे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर लोग एकत्र हुए, आम आदमी भी और साथ आंदोलनकारी भी। इनकी मांग यही थी कि जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपनी प्राण की आहुतियां दी थी और लड़ाई लड़ी थी अपना घर बार छोड़ के सब कुछ करके, उनको सरकार के द्वारा कोर्ट में उनके लिए कोई पक्का मजबूत पत्र नहीं रखा जिससे वो खारिज हो गया और उनके लिए आगे की नौकरी सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की जो मांग हुई थी वो भी दिख रही है खटाई में जाते हुए जी। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कोई जवाब आया है? प्रभुम जी, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऐसा जवाब वगैरह तो नहीं आया है ठोस जो बताया जा सके, मगर अभी किसी की प्रतिक्रिया भी नहीं जाहिर हुई है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। नेताओं और मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने में नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन राज्य ये दुर्भाग्य है कि जब चुनाव आते हैं तभी नेता और मंत्री जनता के बीच दिखाई देते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद 5 साल तक कोई भी जनता की सुन लेने वाला नहीं होता। पौड़ी जिले का पेयजल एवं वर्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री दौरा करने वाले थे, लेकिन फिर ये दौरा स्थगित कर दिया। ऐसे में लोगों का कहना है कि हम अपनी समस्याएं जब सरकार के लोगों को नहीं बता सकते हैं तो फिर चुनाव में वोट देने का क्या फायदा। वहीं बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वरिष्ठ भाजपा नेता पवन कुमार चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर कुछ लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा नेता अमित वाल्मीकि पर हुए हमले को शर्मनाक बताते हुए यह हमला किसानों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है ये कहा। भाजपा नेताओं पर जिस तरह कांग्रेस हमले करवा रही है वो बेहद शर्मनाक है। जो हम पहले से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा नेतृत्व तो कहते आ रहे हैं कि ये अराजकता कांग्रेस का काम है। इस देश में अराजकता फैला करके वो सोचते हम सत्ता में आ जाएंगे, जनता समझ चुकी है कांग्रेस पार्टी के गुंडे हैं सब। और जो किसान के नाम पर जो लोग बैठे हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा भ्रमण रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि टिकैत का साथी या कोई नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस के लोग उसकी टोपी लगा करके टिकैत का समर्थन करने जाते हैं और सोचते हैं टिकैत के कारण कांग्रेस की सरकार प्रदेशों में और केंद्र में आ जाएगी। वो उनकी भूल है। इस देश के जनता को हानि पहुंचाना, रास्तों को जाम करना, जिस मर्जी को पीटना, पेट्रोल डाल देना, आग लगा के मार देना, अपने ही कार्यकर्ताओं को मार देना, ये कहने के लिए कि किसी एक और किसान शहीद हो गया लेकिन उनकी पोल हाथों हाथ खुल जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल जुड़ चुके हैं। गोपाल, क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस इसमें ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश का माहौल खराब कर रही है। जी, देश का माहौल खराब कर रही है, सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने। और किसान आंदोलन पर भी सवालिया चिन्ह उठाए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर ये कुछ अदालत जत्तु यहाँ पे आए हुए हैं जो ये देश का माहौल खराब करने की वो कर रहे हैं। और जो वाल्मीकि जी पे वहाँ काफिले पे अटक हुआ है उस पे उसके लिए उन्होंने ये शर्मनाक बात है करके इस बात को वहीं पूर्ण विराम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के सभागार में बीजेपी विधायक ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर द्वारा 2017 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। समीक्षा बैठक में कार्यों की गुणवत्ता और पूरे हो चुके या फिर चल रहे कार्यों को कब तक पूरा होंगे इस पर विस्तार से जानकारी ली। विधायक सुरेश राठौर ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत धनोरी से इकबालपुर तक सड़क व नहर निर्माण के संबंध में यूपी सरकार से बात कर ली गई है, जल्द ही उन कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिंचाई योजना के तहत बिहारीगढ़ से हाईवे बनाने की योजना को जल्द शुरू किया जाएगा। 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना हमारे यहाँ मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 गाँवों में लागू हुई, जिसका शुभारम्भ माननीय रमेश चंद पोखरियाल और मेरे और द्वारा किया गया था बहादुरपुर जेट में। उस कार्य की हम समीक्षा कर रहे थे, कितने कार्य पूरे हो गए, कितने कार्य अवशेष हैं और कब तक वो पूरे हो जाएंगे और गुणवत्ता का क्या
मापदंड है वो पूरा किया गया है या नहीं किया गया, उसकी हमने समीक्षा की। आज CDO साहब नहीं आए, PT साहब बैठे हैं, इसकी जल्दी समीक्षा हम 10-15 दिन के बाद करेंगे ताकि CDO साहब आ जाएं। और काफ़ी हद तक काम हो गए, जो योजनाएं हमने लागू की हैं, जो अब शेष बची हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ हुए। वहीं रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कोटेश्वर स्थित स्ट्रांग रूम में रखे EVM VVPAT का निरीक्षण किया। इस दौरान स्ट्रांग रूम में सभी मशीनें सही व सुरक्षित स्थानों पर रखी पाई गईं। औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी को दरवाजे के ताले बंद मिले, इसके साथ ही संतरी और कांस्टेबल ड्यूटी पर मौजूद मिले। जांच के दौरान सभी उपकरण सही स्थानों पर पाए गए। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को पुनः सील कर संतरी से चेक करवाया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, तहसीलदार शालिनी मौर्य, जिला निर्वाचन अधिकारी SP डोभाल मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी क्षेत्र में देर रात म्यूजिक सिस्टम लगाकर अश्लील गाने पर डांस करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कई युवक हरी की पौड़ी पर बने घाट पर अश्लील डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने वीडियो की जानकारी पुलिस को दी और सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डांस कर रहे युवकों को भगाया और DJ बंद करवाया। COCT अभय प्रताप सिंह का कहना है कि हरिद्वार आने वाले लोगों को सभी की आस्था का सम्मान करना चाहिए। देखिए, हर की पैड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सबको समझना पड़ेगा कि हमें सबकी आस्था का सम्मान करना होगा। और इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो कि इस तरीके से वहां पे पहुंच करके और उदंडता करना, उच्छृंखलता करना, ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वीडियो आई है और हमने चौकी से भी इसका वेरिफिकेशन कराया है, इसमें कि पुलिस के जब कर्मचारी गए तो ये लोग। वहीं ऋषिकेश में चंद्रेश्वर रोड पर एक कपड़े की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से कपड़े की दुकान में रखा लाखों का सामान जल गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 1 बजे हमें सूचना मिली कंट्रोल रूम से कि आग लगी है कपड़ों की दुकान में। हम तुरंत घटना स्थल के लिए मैं यूनिट के रवाना हुए, आके देखा तो रास्ता हमें मिल नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से हमने धुआं वगैरह शांत करने के बाद हम किसी तरह वहाँ पे बल्ली वगैरह तोड़ के, दरवाज़ा वगैरह तोड़ के किसी तरह हम अंदर प्रवेश करें, फिर हमने आग बुझाना चालू किया। धीरे धीरे हमने लगभग आग कंट्रोल में। प्रदेश सरकार में भले ही गांव-गांव सड़क पहुंचाने के दावे कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। आज भी कई गांव में सड़क ना होने से लोगों को, बीमार व्यक्तियों को कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है। ताज़ा मामला गैरसैंण ब्लॉक के ग्राम सभा कीड़ा का है, जहां पर एक पड़वा गांव है। गांव में सड़क ना होने के चलते परिजनों ने बीमार महिला को कंधे पर लादकर 7 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद सड़क पर पहुंचे और रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिन के अंदर ये 10वां मामला है जब बीमार को ऐसे कुर्सी के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, इस तरह की तस्वीरें आम हैं, ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। जी शिवम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब उत्तराखंड अलग राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की उत्तर प्रदेश में रहकर अपेक्षाएं होती रही और उत्तराखंड अलग जो राज्य का जो निर्माण आंदोलन है 90 के दशक में, और उत्तराखंड अलग राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे और शहीद थे, उन्होंने सोचा था कि उनके भावनाओं का प्रदेश बनेगा, लेकिन उत्तराखंड ने इन 21 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्रियों की शक्लें देखी हैं और 11वां मुख्यमंत्री आज बने हैं जो संभवतः कल शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। लेकिन इसे हम दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 21 वर्षों में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की न तकदीर बदली है और न तस्वीर बदली है। मैं बात करूं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र गैरसैंण की, तो यहाँ के लोग आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के लोगों को सड़कों के अभाव में
गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों को उपचार के लिए अगर अस्पताल ले जाना होता है तो पहाड़ी मार्गों से, विकट मार्गों से होते हुए डंडी कंडी और कुर्सी के सहारे से अस्पताल सड़क मार्ग पर लाना पड़ता है, जिस कारण कि कई जो बीमार और गर्भवती महिलाएं होती हैं या तो रास्ते में ही बच्चे जन्म देते हैं या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जो लोगों को ये व्यवस्था है, लोगों की कुल मिलाकर बहुत बदहाल है उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की जो स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़कों की व्यवस्था है। शिवम, आपको बताना चाहूंगा कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के आज भी लोग वंचित हैं। पिछले महीनों में जो गैरसैंण के मालकोट एक गांव पड़ता है कालीसेरा देवाकर, ग्रामीणों ने 2012 की जो स्वीकृति सड़क की वहां पर भी जो आंदोलन किए थे, लोगों ने खुद अपनी सड़क का जो निर्माण किया था वहां पर 500 मीटर के आसपास, तो लंबे समय तक यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारों के कान पे जूं नहीं देते हैं। और जब उन्होंने अपनी सड़कें खुद बनाई तो इसी प्रकार से गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी उसी के इर्द गिर्द ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने स्वयं कुदाल और सबल और गैंटी लेकर के खुद सड़क बनानी शुरू की और इससे उन्होंने सरकार को आईना भी दिखाया, लेकिन आज भी बदहाल इसकी जस की तस है। अब देखना होगा, जबकि आज ही राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो इन जो 6 महीने हैं उन महीने में इन 6 महीनों में वो क्या रंग खिला पाते हैं कि नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। जी शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये अब आने वाले दिनों के गर्त में समाया हुआ कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड की तस्वीर बदलती है। वहीं लक्सर के कंकरखाता गांव में एक युवक को युवती से प्यार करना भारी पड़ गया। युवती के परिजनों ने युवक को अपने घर बुलाकर उसे कीटनाशक पिला दिया जिससे युवक की मौत हो गई। 20 वर्षीय आशु की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि युवक गांव की एक युवती से प्यार करता था जिसकी जानकारी युवती के परिजनों को हो गई। परिजनों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने युवक को घर बुलाकर पहले शराब पिलाई और फिर कीटनाशक पिला दिया। कीटनाशक पिलाने की वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है। रात मेरे भाई को थे, इन्होंने पिलाई, पहले पिलाई, फिर उसके बाद में मारा, छेड़ता पीटा, फिर सुबह को फिर ऐसे ही काम किया उन्होंने, फिर पीटा मेरे भाई को, फिर दोपहर को इसे दवाई खिलाई गई और इसका बुरा हाल करा, मानसिक रूप से सब परेशान किया गया। और इसके मतलब कोई नहीं, मेरा बाबा नहीं था, मेरी माँ नहीं थी घर, ना मैं था घर, ये सब बहुत पिटता भी और छिटता भी। और क्या नाम, ये वह लड़की है, उसके चक्कर में सब उसका फिर बजाया भी उसे और बहुत मारा, बहुत परेशान करा। ये कल दिनांक 2 जुलाई 2021 को एक सूचना प्राप्त हुई जो कि रायसी ग्राम कंकरखाता से, जिसमें एक नवयुवक द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया और इस संबंध में जो चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और जो मृतक की बॉडी है उसको पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया और मौके पर पुलिस बल को भी भेजा गया है। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और अगर वादी पक्ष की तरफ से, मृतक पक्ष की तरफ से अगर कोई भी इस बारे में हमें कुछ भी शिकायती प्रार्थना पत्र कोई एफआईआर के लिए। वहीं लक्सर पुलिस ने ही बीते दिनों हुई लूटपाट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि बीते 27 जून को मकरपुर में सहारनपुर के हाथिया बांस निवासी प्रवेश कुमार व उसके मौसेरे भाई के साथ 3 अज्ञात लोगों ने मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुखबिर के द्वारा सूचना दी और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल, 3,500 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये कुछ समय पूर्व ये कुछ 2 बाइक सवार हैं जिनके साथ कुछ युवकों ने मारपीट की और उनके पैसे और मोबाइल वगैरह छीन लिया था। उस संदर्भ में एक मोटरसाइकिल नंबर हमें प्राप्त हुआ था और उसी नंबर का पीछा करते करते हमें इन 3 युवकों को पकड़ा था और इस बात की तस्दीक हुई, इन युवकों ने इनसे 6,000 रुपये और इनका मोबाइल छीना था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई है। वहीं पंचायत राज विभाग ने ऋषिकेश की ग्राम सभा गढ़ी मैचक के पूर्व प्रधान जयेंद्र पाल सिंह रावत को नोटिस जारी किया है।
पूर्व प्रधान पर 24 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। रकम की रिकवरी के लिए अब जिला पंचायत राज अधिकारी ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कहा गया है कि रुपए वापस न करने की स्थिति में पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व प्रधान का आरोप है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर इसके लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, पूर्व प्रधान ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई अब तक? जी, जैसा कि देखा जा रहा है शिवम कि गढ़ी मैचक ग्राम सभा है जहां के पूर्व प्रधान जयेंद्र पाल सिंह रावत है, उन पर जांच बैठी थी और जांच इस बात पर बैठी थी कि गांव के दो लोगों ने उनके खिलाफ जांच बिठाई थी और शिकायत की थी ब्लॉक में, और डीएपी आरओ ने इनके खिलाफ जो अभी इस हाल में ही एक नोटिस जारी किया है जिसमें स्पष्टीकरण मांगा है कि 24 लाख की जो ये राशि है जो सरकारी धन था उसका दुरुपयोग करने का इन पे आरोप लगा है, और लिखित में आदेश दिया गया है डीपीआरओ द्वारा कि इसका स्पष्टीकरण दिया जाए, और स्पष्टीकरण देने के बाद जिस तरीके से स्पष्टीकरण होगा उसके बाद इनसे जो रिकवरी की बात कही गई है जिसको लेकर प्रधान कहीं ना कहीं बौखलाए भी नजर आ रहे हैं, और प्रधान बोल रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक है कहीं ना कहीं वो राजनीति की द्वेष भावना से ये क्या बोलते हमारे ऊपर ये जांच बिठा रहे हैं और ये सत्ता का दबाव कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि डायरेक्ट ये विधायक इस पर इन्वॉल्व नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि जो ये जांच बिठाई है गांव के दो लोगों ने बिठाई है, लेकिन जो पूर्व ग्राम प्रधान का आरोप है कि ये स्थानीय विधायक दबाव में ये जांच के तरीके अखंड आजमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।